अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम आज अब क्या है कैनन के 700D एंड 600D और उसका हम आपको शूट टेस्ट करवाएंगे 75-300 के साथ एंड उसके साथ 50mm एंड 18-55 और 55-250mm स्टेबलाइजर लेंथ। तो उसके हिसाब से हम शूट करके कुछ 600D का तो हमने शूट रखे हुए एंड 700D का आप लोगों के सामने शूट करवाएंगे और वो आपको शो करवाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर लाजमी किया करो वीडियो को, और वीडियो को पूरा देख लिया करो, कहीं से स्किप मत किया करो। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और उससे आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। जिस चीज़ का भी आप लोगों को पूछना होगा तो वहाँ पर आप लोग को रिप्लाई जल्दी मिलेगा। व्हाट्सएप से रिप्लाई आप लोग इसलिए जल्दी नहीं मिल जाती कि वहाँ पर बहुत लोग मैसेज करते हैं, तो इसलिए रिप्लाई लेट मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम पर आप आ करके मैसेज करेंगे तो आप लोग को जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तो हम आपको सबसे पहले जो है इसका जो हमने 600 शूट किया हुआ है तो 50 में आपको तस्वीरें इसका शो करवाएंगे। आपको हमने 50 में से शूट किया हुआ पहले भी, तो हम आपको इसका शो करवा देते हैं शूट इसका जो 50 में से हमने शूट किया हुआ है। सबसे पहले हमने ये शूट किया हुआ है, देख सकते हो इसका हमने ये 50 में से शूट किया हुआ है आप लोगों का। ये 600D बॉडी है एंड साथ में 50 में लेंस लगाया हुआ है हमने, और ये जो है ना आप लोग को देख सकते हो इसको मैंने शूट किया हुआ है। सामने से बिल्कुल क्लियर है और बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल ब्लर हो चुका हुआ है। उसके बाद हमने देख सकते हो ये भी शूट किया हुआ है इससे, ये भी सारे शूट 50 में से किए हुए हैं एंड ये शूट भी हमने 50 में से किया हुआ है और ये शूट भी हमने 50 में से किया हुआ है। आप देख सकते हो हमारे जो सामने जो भी हमारा प्रोडक्ट है बिल्कुल क्लियरिटी इसके अंदर है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट है सामने ये बिल्कुल क्लियर है और हमारा जो बैकग्राउंड है हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसी बॉडी के ऊपर हमने 75-300 लगा के शूट किया हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें किस लिए हुए 75-300 जो आप लोग दे रहे हो, ये आउटडोर का शूटिंग है, इनडोर शूटिंग नहीं है। आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हो बिल्कुल आउट है एंड जो सामने हमारा है ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमने शूट ये देख सकते हो ये भी हमने 75-300 से किया हुआ है। उसके बाद हमने 55-250 से शूट किया हुआ है जो आप लोग देख सकते हो। 55-250 के अंदर थोड़ी सी हमारी तस्वीर शार्प आती है, शार्प आता है 55-250 से। एंड उसके बाद जो हमने देख सकते हो ये भी हमने 55-250 से किया हुआ है, इसके अंदर भी हमारा बैकग्राउंड सामने बिल्कुल क्लियर आ रहा है एंड हमारा जो जो हमारा सामने फ्रंट है बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बैकग्राउंड हमारा ब्लर है बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हो इसको, ये 55-250 स्टेबलाइजर का लेंस है जिससे हमने शूट किया हुआ है, ये भी 55-250 का है। हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो गया हुआ है और सामने से क्लियर है। तो हम अभी आपके सामने से 18-55 से शूट करवाएंगे इसके साथ लगा के, तो हम आपको शूट करवा के दिखाएंगे 18-55 से कि हमने क्या शूट किया है। हम सबसे पहले इसको ही शूट करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है 50 के ऊपर फोकस करते हैं हम। अगर कैमरा में दिखा सकते हैं तो ये देख सकते हैं हमने इसे शूट कर लिया और ये देख सकते हो हमारा ये शूट हो गया, ये 18-55 से है। हमारा सामने बिल्कुल क्लियरिटी है, हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे जितनी प्रोडक्ट छोटी होगी जितनी नज़दीक होगी हम उसका शूट करेंगे तो बेसिकली उसका जो पीछे बैकग्राउंड होगा सारा ब्लर आएगा। तो आप लोग देखा ये मैंने 18-55 से शूट किया जो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो गया और सामने से क्लियर है। तो उसके बाद हम आपको 600D का शूट करवा के बाद हमने 600D बॉडी लिए एंड उसके साथ 55-250 लेंथ लगाया। मेस्टर स्टेबलाइजर अभी इसके अंदर है 55-250 के अंदर, और ये जो ना हम अगर कुछ चाहे तो हम आपको शूट करवा के दिखा भी देते हैं एंड लगा थोड़ा बहुत हम इसको एंडोर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये 55-250 है, ये 55 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमने 75-300 भी शूट करके दिखाएंगे एंड 18-55 और 50 में से भी शूट करके दिखाएंगे। तो आप लोग ये शूट करना है तो मैं देख सकते हो ये पी के ऊपर शूट करता हूँ और प्लस मैं एनी टाइम ऑन रखता हूँ। कैनन का 600D है और इससे हम आपको शूट करके दिखाएंगे, तो अभी मैं शूट करता हूँ इससे। तो अभी हमने 55-250 से शूट किया, वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आ जाइए। ये देख सकते हो इससे हमने 55-250 से शूट किया, ये हमारा 50mm लेंस है, तो आप लोग जो बिल्कुल इसके अंदर क्लियरिटी है आप देख सकते हो इसका। और ये कैनन का 700D बॉडी है, इसके साथ हमने 55-250 लेंस लगाया, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो गया और हमारा जो फ्रंट प्रोडक्ट है ये बिल्कुल क्लियरिटी है। ये 55-250 लेंस है, इसके साथ हमने मेस्टे ब्लेजर लगाया हुआ, मेस्टे ब्लेजर भी इसके अंदर है और 55-250 है। आपने डिस्टेंस भी देख लिया होगा वीडियो में कि हमने थोड़ी सी डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि 55-250 आप यूज़ कर सकते हो एंडोर के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर ग्रुप फोटो आपको नहीं आएगा, सिंगल जो फोटो है आपका एंडोर के अंदर भी आएगा। तो ये 55-250 लेंस था कैनन, आप देख सकते हो इस टाइम जो है ना मैं 75-300 शूट कर रहा हूँ और मेरा डिस्टेंस भी देख रहा हूँ कि कितने जगह पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है 75-300 के अंदर, वो भी मैंने शूट किया। अगर दिखाना चाहे तो ये दिखा देते हैं आप लोगों को, 75-300 जो हमने शूट किया आप लोग देख सकते हो, ये हमने 75-300 शूट किया है आप लोग देख सकते हो। ये 50mm लेंस है जो हमारा इसके ऊपर हमारा फोकस पॉइंट लगा हुआ था एंड पीछे जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो गया हुआ है,
तो हम इंडोर भी इसको यूज़ नहीं कर, लेकिन 75% के लिए आपको गेप ज़्यादा देना पड़ता है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके साथ हमारा केनन का सासुड़ी बॉडी है एंड उसके साथ हमने 75-300 लेंस लगाया हुआ है, 18% लगाया केनन सासुड़ी के अंदर, तो इसी भी हम शूट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं शूट कर लेता हूँ और आप लोग को पहले दिखा भी देते हैं शूट। तो हमने शूट कर लिया, अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, तो देख सकते हो आप लोग शूट। ये देखो ये 18% है और केनन सासुड़ी के साथ हमने लगाया, तो हमारा जो सामने प्रोडक्ट लगा हुआ है ये बिल्कुल क्लियर है और हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लर हो चुका है। आप लोग देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर है और सामने जो फ्रंट है हम इसको क्लियर कर दें। बाद अब हमने बैकग्राउंड को ब्लर नहीं करना होता है, तो हमारा जो फोकस पॉइंट है हम इसको नहीं रखते हैं, तो वो भी मैं शूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका हम फोकस पॉइंट जो है ना ऊपर रख देते हैं और इसको ये आपको दिखा देते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है ना क्लियर हो गया और हमारा जो फ्रंट है वो बैकग्राउंड नहीं है। जो देख सकते हो आप लोग हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो गया और हमारा जो फ्रंट प्रोडक्ट है इसको हमने ब्लर किया, लेकिन ये किस वजह से किया, हमारा जो फोकस पॉइंट है आप लोग देख सकते हो, ये फोकस पॉइंट हमारा देख सकते हो, अगर इसको हम जहाँ पर रखेंगे ये वही पर फोकस करेगा। बेसिकली हमने जो पहले प्रोडक्ट शूट किया था तो हमने दरमियान में करके पॉइंट दरमियान में रख के शूट किया था, और बाद में जो मैंने प्रोडक्ट शूट किया तो ये मैंने ऊपर करके इधर से शूट किया, तो हमारा जो सामने प्रोडक्ट था वो क्लियर नहीं था और बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया। तो ये था केनन सासुड़ी और साथ में 18। तो हमारे पास पड़ा हुआ है पैनासोनिक का ये मॉडल है, एफजेड 80 मॉडल है और ये 4K भी है और इसका 60x जूम है, 60x तो ये 1200 तक जाता है इसका जो डिजिटल जूम है और ये 4K वीडियो बनाता है। उसके बाद ये टच LCD भी है और ये ऑन करके भी दिखा देते हैं, इसका टच LCD है और बेसिकली इसके अंदर 4K आपको शूट भी मिल जाता है एंड 4K वीडियो भी आप बना सकते हो। तो ये पैनासोनिक का एक मॉडल है एफजेड 80 जिसका 60x जूम है और इसके साथ आप लोग को इसका अपना बुक्स भी मिल जाता है, देख सकते हो इसका ओरिजिनल जो बुक्स है, ओरिजिनल बैटरी चार्जर सब कुछ साथ मिल जाता है एंड उसके बाद इसके साथ 6 मंथ वारंटी भी आप लोग को मिल जाता है और इसका प्राइस है 35K एंड उसके बाद इसका 18 मेगापिक्सल कैमरा है, 60x जूम है एंड उसके बाद 4K फोटो भी है और 4K वीडियो भी बना लेता है और वीडियो के अंदर इसका ऑटो बुक्स भी है, ऑटो बुक्स भी वीडियो आप बना सकते हो, जहाँ पर आप जूम करते हैं वहीं पर जाकर के ये खुद आराम से फोकस कर लेता है। तो ये पैनासोनिक का एक मॉडल था एफजेड 80 जिसका प्राइस 35K है। उसके बाद हमारे पास पैनासोनिक का एक मॉडल और भी पड़ा हुआ है, एलजेड 40 मॉडल पड़ा हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हो ये एलजेड 40 मॉडल है, इसके अंदर आप लोग को 42x जूम मिल जाता है एंड 20 मेगापिक्सल है और इसकी कंडीशन साफ सुथरी, इसके अंदर इमेज स्टेबिलाइजर भी मिल जाता है आपको और इसका प्राइस है 20,000 रुपये, इसके अंदर बैटरी लग जाती है, जो दूसरा मॉडल है उसके अंदर भी बैटरी लग जाती है लेकिन इसके अंदर भी बैटरी है और इसका प्राइस 20K है, लेकिन इसके अंदर ना 4K है और ना आप लोग को टच LCD मिल जाता है। बस ये बेस्ट है आउटडोर शूटिंग के लिए, LZ 40 और वीडियो के लिए भी अच्छी ऑप्शन है। तो ये मैंने सुने का एक मॉडल है जिसका प्राइस है 20,000 रुपये। उसके बाद जिससे हमने शूट किया आप लोगों को 700 हमने आज शूट किया इससे आप लोगों के लिए, इसके अंदर वीडियो के लिए बेस्ट ऑप्शन आ जाता है एंड तस्वीरों के लिए भी अच्छी ऑप्शन आ जाता है और ये टच LCD भी है। तो इसका प्राइस है 50,000 रुपये है, कैनन का 700 10:9 कंडीशन है आप लोग देख सकते हो और ये टच LCD भी है, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, ये टच LCD है और इसके अंदर आप लोग अगर आर्ट बुक्स पे वीडियो बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप बना सकते हो। हमारे पास 600D पड़ा हुआ है जो आप लोग देख सकते हो, ये भी आज इसी से हमने शूट करवाया आपको 75-300 के साथ एंड 55-250 के साथ और साथ में 50 में लगा हुआ है, इसका प्राइस 35K है और ये 600D, इसके अंदर आप लोग को माइक ऑप्शन भी मिल जाता है, रोटेटेबल LCD भी है लेकिन ये टच LCD नहीं है और इसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं वीडियो के लिए भी और इसके अंदर माइक ऑप्शन भी यूट्यूब के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कैनन का 600D जिसका प्राइस है 35K विद 50mm यंगनो का लेंस लगा हुआ है इसके साथ, तो ये 35K का है कैनन का 600D। उसके बाद जो हमारे पास पड़ा हुआ है 55-250 जिसे आज हमने शूट किया, इसके अंदर आप लोग इमेज स्टेबलाइजर मिल जाता है जो अच्छी ऑप्शन है, इसकी इमेज स्टेबलाइजर का ये मतलब है कि अगर आपका हाथ शेक करता है तो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके अंदर आप लोग को शार्पनेस भी अच्छी मिल जाती है 75-300 के से, तो ये 55-250 है जिसका प्राइस 16,000 रुपये, कंडीशन 10x10 कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास पड़ा है 75-300 लें जो आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजर नहीं है लेकिन ये आउटडोर के लिए बेस्ट ऑप्शन है एंड उसके बाद अगर आउटडोर शूटिंग करना है या वीडियो बनाना है तो उसके लिए आपको बेस्ट लेंस है, जिस तरह के आज मैंने शूट करके दिखाया तो हमारा जो सामने फ्रंट था बिल्कुल क्लियर, बैकग्राउंड ये बिल्कुल ब्लर कर देता है और आउटडोर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्योंकि इसके अंदर जूम ज़्यादा है, तो इसका प्राइस 14,000 रुपये है, ये कैनन का 75-300 लेंस।